नमस्ते दोस्तों, ट्रिपल सी के एग्ज़ाम 27 दिसंबर से 31 दिसंबर को स्टार्ट हैं, तो उसका एडमिट कार्ड जो है आ गया है। जी हाँ, जल्दी ही एडमिट कार्ड आ गया। वैसे तो इसमें टेंटेटिव डेट 21 दिसंबर बता रखी थी, और आपका जो है अब जो है एडमिट कार्ड 9 दिसंबर के आज 9 दिसंबर है और आपका एडमिट कार्ड जो है आउट हो चुका है। जल्दी आया है, वरना 1 वीक पहले ही जो है एडमिट कार्ड जो है आउट होता है। चलो अच्छी बात है, आ गया है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों बताने जा रही हूँ कि जो अपने एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, वो जो है कैसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ की बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो वही मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये student.nilit.gov.in यानी कि ये जो है ऑफिशियल साइट है nilit की, इसको जो है ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके साइड में आना है, और आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए, मैं कर देती हूँ ये रहा डाउनलोड एडमिट कार्ड का। आपको जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो इसके बाद जो है एक न्यू पेज जो है आपके सामने जो है ओपन हो जाएगा, जिसमें जो है बहुत सारे कोर्स जो है यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलेंगे। लेकिन आपका कोर्स जो है आपका ट्रिपल सी का है, तो यहाँ पे आईटी लिटरेसी प्रोग्राम में ये जो सेकंड ऑप्शन है, आप यहाँ पे जो है क्लिक करेंगे, यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। एक एक स्टेप आपको बहुत जो है आसान तरीके से बता रही हूँ, जैसे बता रही हूँ बिल्कुल अगर ऐसे आप अपना डाउनलोड करोगे एडमिट कार्ड, तो आपका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड करने के लिए देखिए यहाँ पे भी जो है आएंगे, एप्लीकेशन नंबर आएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर पर आपको जो है टिक कर देना है। अब यहाँ पे जो एग्जामिनेशन ईयर आएगा, तो एग्जामिनेशन ईयर में आपको सेलेक्ट वन करके पहले 2023 जो है कर देना है। फिर यहाँ पर एग्जामिनेशन नेम आएगा, तो एग्जामिनेशन नेम में जो है आपको देखो दिसंबर का ऑप्शन आ गया है। पहले यहाँ पे दिसंबर का ऑप्शन नहीं था, यानी कि अब जो है आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली दिसंबर वाले ऑप्शन पर जो है आप जो है क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जो है आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो है एंटर करना है, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आप जो है यहाँ से जो है एंटर कर देना, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पे इससे पहले जो है इंग्लिश कर लेती हूँ, फिर मैं आपका जो है एप्लीकेशन नंबर जो है यहाँ पे एंटर करके दिखाऊंगी। बिल्कुल प्रूफ के साथ आपके सामने दिखा रही हूँ कैसे जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एफर्ट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। देखिए, गो हो एजेड हो जो भी है, गो वालों का ही दिखा देती हूँ पहले, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे जो है आपको डेट ऑफ बर्थ जो है एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ जो है आपको 2 बार डेट, 3 बार मंथ और 4 बार जो है ईयर डालनी है। इसी वजह से आपका इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ आता है, क्योंकि आप सही से एंटर नहीं करते हैं। देखिए, मैं आप ही के सामने जो है एंटर करके यहाँ पर दिखा रही हूँ, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, 2 बार डेट, 3 बार मंथ और 4 बार ईयर डालना है, ठीक है। ऐसा करोगे बिल्कुल भी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल जो है क्लियर जो है आप कर पाओगे। देखो, अभी मैंने ये वाली डाली, आप ध्यान देना, मैंने देखिए यहाँ पे ये एंटर बिल्कुल सही करी है, इसलिए यहाँ पे इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ नहीं आ रही है। देखिए, मैं अभी इसको जो है गलत डाल दूँ तो देखिए अभी यहाँ पर इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। यहाँ पर ये 2 की जगह मैं जो है यहाँ पर देखो कुछ इस तरह डाल देती हूँ, और देखो यहाँ पे अगर मैं ये 3 मंथ है तो मैं यहाँ पे 4 कर देती हूँ। देखो, अभी जो ये आप ही के सामने दिखा रही हूँ मैं करके, ये अभी इनवैलिड बता देगा। ठीक है, यहाँ पे कैप्चा कोड जो है डालती हूँ मैं 67 5 0 6 5, ठीक है। जो ही आपकी मैं कैप्चा कोड आ रहा है आपको वो डाला। देखिए, अब मैं व्यू पे करूँगी ना तो इनवैलिड बता देगा, आ गया ना आ गया। देखो, आप ही के सामने आ गया ना कि डेट ऑफ बर्थ जो है इनवैलिड है। तो आपकी में भी तो यही वाली प्रॉब्लम आ रही है ना, इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ की, क्योंकि आप डालते ही इनवैलिड हो, ठीक है। तो जो मैंने बताया था आप उसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट डालोगे, और डालने के बाद यहाँ व्यू पर जो है आप क्लिक कर दोगे तो आपका जो है एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड होकर जो है आ जाएगा। तो आप भी बहुत इजीली से इस तरह जो है अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दिस वीडियो।